केला गए के बार आपके गांव में राजनीति हवा तो के है, कौन सी पार्टी के पक्ष में माहौल ज्यादा है? बीजेपी में जमा कौन दे, जनता जी 10 साल हो गए उब गए, अभी नया चेहरा देखना चाहती है, नई गवर्नमेंट देखना चाहो है। तो इनके जे प्याला की मैं हवा तो पूछे कौन जी, फूक लिकट रही सारी, बीजेपी ने भी कौन दो, कांग्रेस ने भी कौन दो, तो फिर जाओगे भी है भाई। जनता बोलेगी, पोल खोलेगी। सिटी बिग न्यूज का खास कार्यक्रम और इसके तहत जो है आज पहुंच गई हूं रावणवास कला में, और मेरे साथ में देख सको भाई गांव के लोग जो है उरे बैठे हैं। तो मैं पूछ लिया कि भाई राजनीति की हवा जो चुनावी हवा तवा है ने, वो इस गांव की के है, के माहौल है, और इसकी शुरुआत जो है मुहूर्त कर दे। हाँ जी, यूं बताओ राजनीतिक हवा सियासी हाल जो है आपके गांव में के लगे है? कांग्रेस का है जी मारा, तो कांग्रेस का है। हाँ। कांग्रेस का कैंडिडेट कौन देखना चाहो भाई, कौन सा कैंडिडेट देखो जो कौन से टिकट है, कौन मिली है? कोई कोई टिकट ही नहीं मिली है, फिर भी मतलब भाई किसका नाम भाई क्या पता, नाम आओगा जीते बतावा जी। इतना कोई वो नहीं, कोई स्पेशल डिमांड नहीं ना कोई। हाँ जी, स्पेशल डिमांड है, यहाँ से मैंने नाम सुना था, किसके मुंह से सुना था? जयप्रकाश की है जी, जयप्रकाश की डिमांड है। और अगर जयप्रकाश को टिकट नहीं मिलती है तो फिर तो देखो जी कोई नहीं। अच्छा, अभी जैसे मैं सुन लग रही थी भाई ब्रिजेंद्र सिंह जो बीजेपी से एमपी थे अभी हाल फिलहाल है, अब वो कांग्रेस की टिकट लेके जो है मैदान में उतर सके हैं, फिर तो मुश्किल है जी। हाँ जी, फिर तो मुश्किल निकाला गया वो सीट, मुश्किल उतारेंगे। हाँ जी, ऐसा क्यों, मतलब क्यों जो है उनको मुश्किल होने, पहले उनका काम अच्छा नहीं करवाया जी, काम अच्छा नहीं करवाया। हाँ, काम नहीं करवाया कुछ भी। अच्छा, हमें तो दर्शन ही कौन दिए कदे वो पढ़ने के बाद में। अच्छा अच्छा, हाँ जी, क्या लग रहा है आपकी बार सियासी हल क्या है गाँव का, कौन सी पार्टी भारी पड़ने वाली है जी? आप भी बता दो कुछ। तो हम तो कांग्रेस के है, कांग्रेस के हो, और कैंडिडेट कौन आना चाहिए कांग्रेस का? कैंडिडेट तो कांग्रेस का कोई भी आओ चाहिए, वही बात है। वो मैं ब्रिजेंद्र सिंह वाली बात पूछ रही थी, जब ब्रिजेंद्र सिंह आ गया तो वे ये न ज्यादा जानकारी होगी, फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर तो मुश्किल है। अच्छा, फिर वैसे आपने लगे कि टक्कर कौन दे इसके, अगर जयप्रकाश के अलावा कोई चेहरा, कोई चंद्रमोहन, चंद्रप्रकाश है, चंद्र प्रकाश तो देश का है, चंद्र प्रकाश देश का है, नाम है इतना चंद्र प्रकाश का। वो सरपंची का चुनाव में भी उनका जो कौन था, उनका भाई वैसे पर्सनल होगा, हार गए जी गांव में वो। अच्छा, बाकी ठीक है बंदा। अच्छा, मतलब नया बंदा होगा नहीं, नया सांसद का चुनाव में टक्कर देश का सरपंची मुश्किल होगी बस। अच्छा, हाँ जी जी, केला गए के बार आपके गांव में राजनीतिक हवा तो वाके है, कौन सी पार्टी के पक्ष में माहौल ज्यादा है? गाँव में कांग्रेस है जी, पूरे गांव में कांग्रेस, पूरे गांव में। ये अभी जेजेपी वाले घूम के गए हैं गांव में, गाड़ी में एक ड्राइवर ड्राइवर थे को थे उनको, गाड़ी में ड्राइवर थे। हां, दारू तो भी थे हम देखे। अच्छा, तो ये इनके जेजेपी वाला की मैं हवा तवा बच्ची कौन पूछे कौन जी, फूंक लिकट रही सारी, फूंक लिकट ली। अच्छा, हाँ जी सर, क्या लगा है आपने कि फिर से भी बता देना लड़े एक थोड़ी ना, सर्वे तो सारे का होया करे। हाँ जी, क्या लगा है आपके बार आपके गांव में, तो ये जो बताने लग रही भाई कांग्रेस से कांग्रेस का माहौल है, जब कांग्रेस ने कैंडिडेट ऐसा उतार दिया कोई लंगड़ा घोड़ा, तो फिर बात बनेगी या फिर उल्टे बीजेपी का ही सरक जाओगे? फिर भी बनेगी जी, कांग्रेस का तो कांग्रेस का रहेगा। बीजेपी ने जमा कौन दे, बीजेपी ने कौन दे, और जब कोई गठबंधन में कोई प्रत्याशी उतार दिया फिर बीजेपी सब सख्त खिलाफ है, सब बीजेपी से सख्त खिलाफ हो। और ये बीजेपी के एमपी थे जिन्होंने सीट छोड़ दी ब्रिजेंद्र सिंह, कांग्रेस की सीट से सुने हैं कि आस के हैं, मैदान में उतर गए हैं, तो ब्रिजेंद्र सिंह जो उसने वोट दे इसको कांग्रेस की तरफ से कौन दो, तो ये बीजेपी ने भी कौन ही दो, कांग्रेस ने भी कौन ही दो, तो फिर जाओगे? नोटा भी है, नोटा भी तो है फिर। अच्छा, मतलब बीजेपी ने वोट नहीं दो चाहे कुछ भी हो जाए, नोटा नोटा पक्की बात है, पक्की। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे जी। हाँ जी, जनता जी 10 साल हो गए उब गए, अभी नया चेहरा देखना चाहती है, नई गवर्नमेंट देखना चाहो है, तो बीजेपी को कोई नहीं देखना चाह रहा। ये जो बड़ा सा दावा है ना कर रखा 400 पार, बहुत बड़ी बात है 400 पार, क्या लगे कितने पार करने से? तो हम भी बोलते हैं अभी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जिस टाइम ग्राउंड पे उतरते हैं तब बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्या लगे कितने पार ले जाएंगे? ये नहीं कह सकते जी कितने पार ले जाएंगे, कितने पर ना। अरे वैसे ऊपर केंद्र में सरकार के लगे किसकी बनेगी? केंद्र में तो जी बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी। अरे हरियाणा में सीट कितनी काट जाएंगे, कितनी सीटा मजबूत पकड़ मान लो? हरियाणा में जी तकरीबन 5 सीट है उनकी मजबूत, 5-1 सीटा ने मजबूत मानने लग रहे हो। हाँ जी, हरियाणा में कितनी सीट जो है बीजेपी की मजबूत मानो हुई है, जो 400 पार का नारा है हरियाणा में, 10 की 10 की सीटा सपना देखने लग रहे हैं, क्या लगे है ये पूरा कर पाओगे? 5 सीट के लगभग तो कर लेंगे, 5 सीट लगभग कर लेंगे। इस आर की सीट हारन वाला महंगे जितने वाले में,
कौन सी जीत के है या कौन सी सीट पे जो है आप कमजोर मानो बीजेपी? वो तो ध्यान को नहीं जी कौन सा थोड़ा। अच्छा वो उन्होंने दे छह कांग्रेसी जो इन्होंने उतार दी, उस चीज का नुकसान भुगतना पड़ेगा कि बीजेपी ने जितने एमपी यहाँ की टिकट दी है छह तो कांग्रेसी उतार दी उन्होंने मैदान में। हाँ भुगतना पड़ेगा, नुकसान है। चलो जी, तो भाई ये जो है फिलहाल आप देखने लग रहे हो रावणवास खुर्द की जो है रावणवास कला। और भाई देखो, क्योंकि अभी तक प्रत्याशी सिर्फ एक पार्टी ने जो है मैदान में उतारे हैं, वो है बीजेपी। रणजीत सिंह चौटाला जो है मैदान में उतार दिए हैं। अच्छा, ये रणजीत सिंह चौटाला का कुछ नाम है, कुछ गाँव में कुछ उठ बैठ है लोगों के साथ में? अब तो मेरे ख्याल में कौन जी, पहले थी 10-15 साल पहले। अच्छा, पहले एक बार विधायक खड़े हुए थे, कौन से सिनेमा है जब थोड़ी सी थी, उसके बाद तो कोई कांग्रेस। हाँ, तो रणजीत सिंह चौटाला ने खुद के पर्सनल मतलब पार्टी तो अटके कुछ खुद के नाम पे पर्सनल वोट मिल सके इसने, जिसके नाम साफ है रणजीत चौटाला, नाम साफ है कोई मतलब, लेकिन पार्टी देख के कौन दे लोग की भी तो। अच्छा, आदमी ठीक है, शक्ल देख के दे देंगे, निशान देख के पार्टी का नहीं देंगे, पार्टी का निशान देख के कौन देवे ये देख ली। और ये जो आज मैं जिस तरह से करो जो एक वो किमे कोनी अरे नैना चौटाला सुनैना चौटाला रणजीत सारे बार है, देख लीजिए सब बार है, बीजेपी कांग्रेस दो टकरेगी ले। अच्छा, बस ये जो रणजीत चौटाला के शाम ये सुनैना और नैना चौटाला उतरण लग रही है, इनका कौन जी? ये तो ना इनका नुकसान तो होगा, रणजीत को नुकसान होगा, इनको कांग्रेस को नहीं होगा। अच्छा, कांग्रेस का फायदा इस चीज का, और क्या फायदा इस चीज का? और ये वो मतलब ये जिक्र सुनने में आया कि कांग्रेस ने जो है सेटिंग कर ली है और इस सीट पे कोई ऐसा कैंडिडेट उतारा जाएगा जो जीत नहीं सके, ये तो फिर भी कांग्रेस ने दोगे? बिल्कुल कांग्रेस ने देवांगे जी, हम तो बीजेपी ने वोट देवांगे जी, बीजेपी ने वोट नहीं दो, कांग्रेस ने देवांगे। किसकी तरफ से जाओ भाई? बोलो ना, ये बता दे हम लोग को, अपने राजनीतिक बारे में रखो नहीं। अच्छा, भाई देंगे वही वोट हम देंगे, फिर भी चर्चा तो चलती होगी ना, हम इस राजनीति में कौन जी, भाई और वोट देंगे कांग्रेस की ज्यादा है, कांग्रेस की चर्चा है। अच्छा, ये सिर्फ लोकसभा में है कि विधानसभा? विधानसभा तो बहुत दिन पड़े अभी, तो देखांगे भी है, देखांगे। चलो जी, तो भाई ये आप देख सको रावणवास कला की जो है तस्वीर, क्योंकि पार्टी में एक मैदान में जो है एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, और पहले भी कही थी कि भाई कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर नजर जो है सबकी टिक रही है कि कौन मैदान में आवेगा, किसके ऊपर जो है कांग्रेस दांव लगाओगी और फिर वो घोड़ा कितना दौड़ पाओगा। खैर भाई, लगातार अपडेट हमने दिखा दे रहूंगी, देख दे रही हो सिटी बिग न्यूज़। राम राम।